जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोम मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी आशा बहनों, संविदा कर्मी और किसानों और गरीबों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, सरकार की कोई भी घोषणा होती है, कोई भी नई योजना आती है या कोई भी नए आदेश निकलते हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए स्पेशल तौर पर, मैं डेली बेसिस पे आपके लिए खबर लाता रहता हूँ, जो जो खबर होती है सभी स्टेट्स की। इसके अलावा जब मानदेय बढ़ोतरी होती है किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में सेवानिवृत्ति आयु अगर बढ़ाई जाती है या और कोई भी आदेश आता है, कोर्ट का आदेश आता है, बहनों के पक्ष में कोई आदेश आता है या कोई नई मतलब योजना आती है या बहनों के लिए नया आदेश आता है, तो हम आपके लिए YouTube पे सबसे पहले अपडेट डालते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, आज होगी 19 अप्रैल 2019, बहनों के पक्ष में कोर्ट का फैसला, स्मार्टफोन का बहिष्कार किया गया, केंद्र पर नया कार्यक्रम चलाया गया और मानदेय स्थायीकरण को लेकर सभी राज्यों की खबरें। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं सभी स्टेट्स की, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपके समझ में आए। अगर आप कमेंट करके जरूर बताएगा आपका कोई भी डाउट हो, आप किस राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, प्लीज़ वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और कुछ भी डिटेल चाहिए आपको किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम पे आपकी सारा जो भी डाउट होगा, आपकी जो भी मतलब मांग होगी, आपको जो भी डाउट होगा वो मैं सारा क्लियर करूँगा, वीडियो बनाऊँगा या फिर आपका कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। घर व आंगनबाड़ी केंद्र में ही होगा कुपोषित बच्चों का इलाज। महिला बाल विकास विभाग व यूनिसेफ द्वारा जिले की कुपोषण से मुक्त कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आप देख सकते हो, नए कार्यक्रम के लिए बोला था मैंने, यही कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। महिला बाल विकास विभाग व यूनिसेफ द्वारा जिले की कुपोषण से मुक्त कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया और एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें श्योपुर जिले में भी शामिल किया गया। इसके तहत अति कुपोषित बच्चों को समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय के बीच रखकर ही बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण में सुधार किया जाएगा। अब गंभीर और कुपोषित बच्चों को NRC भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्यक्रम में से गांव के करीब 90% गंभीर और कुपोषित बच्चों का इलाज ग्राम स्तर पर ही स्वास्थ्य विभाग में महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। बच्चे को NRC भेजना और यह समुदाय में ही रखकर प्रबंधन करने का फैसला ANM द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद 12 हफ्ते आंगनबाड़ी केंद्रों में ही क्लिनिक में CCM सत्रों के विशेष फॉलो अप राउंड में बच्चों को निगरानी भी दी जाएगी। ANM द्वारा इन बच्चों को विशेष परिस्थितियों में ही NRC रेफर किया जाएगा। ANM द्वारा इन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार NRC रेफर किया जाएगा और CCM चिन्हित बच्चों को THR की अतिरिक्त मात्रा प्रदान की जाएगी और घर में ही इनकी निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। यदि किसी बच्चे का वजन लगातार 2 सप्ताह तक स्थिर रहता है या कम होता है तो उसे तत्काल NRC रेफर किया जाएगा। ANM द्वारा प्रति माह CCM क्लिनिक में इन बच्चों का लगातार 3 माह तक प्रशिक्षण किया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रति सप्ताह CCM सत्रों का आयोजन कर इसके स्वास्थ्य की निगरानी भी की जाएगी। स्मार्टफोन का बहिष्कार करेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जैसे कि पता होगा सब जगह स्मार्टफोन कंपलसरी किया जा रहा है और जो 11 रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं उनको भी ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन बहनों की कुछ मांग है इसलिए वो बहिष्कार कर रही है। तो हम देखते हैं क्या उनकी प्रॉब्लम है। देहरादून के न्यूज़ है, आंगनबाड़ी केंद्रों में कामकाज में ऑनलाइन करने के मकसद से शुरू होने वाले स्मार्टफोन योजना आंगनबाड़ी संगठन के विरोध शुरू कर दिया है और संगठन ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कम पढ़ी लिखी है, ऐसे में जबरन स्मार्टफोन थमाया मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग से स्मार्टफोन स्वीकार नहीं करेगी। उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री सुशीला खत्री की ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग की ओर से 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को स्मार्टफोन देने की योजना है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर का कामकाज बंद किया जाना है। इससे केंद्र में समस्त कार्य स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सामान्य मोबाइल चलाना ही नहीं आता, ऐसे में उन्हें स्मार्टफोन चलाना संभव नहीं है। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ता मानसिक तनाव में आ गई है और संगठन इसका पुनर्जोर विरोध कर रहा है। इस संबंध में राज्य मंत्री रेखा आर्य को भी अवगत कराया जाएगा।
जर्जर हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्र भवन। देख सकते हो आप, कस्बे में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र चतुर्थ भवन पर पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, जिसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने उच्च अधिकारियों से की थी। ग्रामीण का कहना है कि जर्जर हो चुके आंगनबाड़ी केंद्र का में जाने वाले बच्चे के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र में भवन में बारिश के दिनों में पानी टपकता है और बच्चों को खेलने कूदने के लिए कई भवनों में चार दीवारी भी नहीं है। ऐसे में नौनियालों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में कई आंगनबाड़ी केंद्र की भवन भी जर्जर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाने के आदेश निरस्त। देख सकते हो, सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक साधना सिंह ने 20 वर्ष तक उत्कृष्ट सेवा देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर सर्वजातीय महिला का चयन करने की निरस्त नियत से कार्यकर्ता के पंचायत की मीटिंग में लगातार उपस्थित रहने के बावजूद तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए सेवा से पृथक करने के तत्कालीन CDPO उमरेण के आदेश को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने कलेक्टर, निदेशक, उपनिदेशक, ICDS, CU जिला परिषद, CDPO उमरेण, VDO उमरेण तथा ग्राम पंचायत पाला के सरपंच के विरुद्ध पे सिविल याचिका में स्वीकार करते हुए CDPO उमरेण को स्थायी निषेध पाबंद किया गया और याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज शर्मा को आंगनबाड़ी के अंदर रतनगढ़ पंचायत समिति उमरेण के पद पर बहाल रखा जाएगा। अदालत के कार्यकर्ता ने बकाया मानदेय भुगतान को भी ब्याज सहित अदा करने के आदेश भी दिए गए। अधिवक्ता शिवराम सिंह नरुका और अमित पंचोली ने बताया कि 28 जनवरी 1993 को रतनगढ़ पाला की मूल निवासी सरोज शर्मा का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अंदर रतनगढ़ के पद पर हुआ था। उस सरोज ने समय समय पर विभागीय प्रशिक्षण लेकर 20 वर्ष तक उत्कृष्ट संतोषजनक कार्य किया। तत्कालीन CDPO का पाला सरपंच ने कार्यकर्ता का मनमुटाव रखने वाले अलवर निवासी पुत्र वधु से झूठी शिकायत प्राप्त कर 5 दिसंबर 2012, 20 दिसंबर 2012, 4 फरवरी 2013 के कार्यकर्ता की मीटिंग में उपस्थित होने के बावजूद उसके विरुद्ध ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिए और उक्त प्रस्ताव पर 6 मार्च 2013 को CDPO ने उमरेण की बिना सुनवाई का अवसर दी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कार्यकर्ता को हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस पर अदालत ने 6 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद दोनों पक्षों में दलील में पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर ये फैसला सुनाया गया। सहायिका की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत, तो देख सकते हो ये न्यूज है, नरवर की न्यूज है। विकासखंड नरवर में अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोनीजा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत। उसी आंगनबाड़ी पर पदस्थ सहायिका ने परियोजना अधिकारी से कर कार्यवाही की मांग की है और उन्होंने परियोजना अधिकारी से भी शिकायत में समय पर नहीं आने सहित अन्य आरोप भी लगाए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम रोनीजा की आंगनबाड़ी पर सहायिका के पद पर कार्य करने वाली संगीता परिहार की परियोजना अधिकारी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि रोनेजा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुक्मणी नामदेव समय आंगनबाड़ी पर नहीं आती है और दोपहर 12 बजे आकर बच्चों को फोटो खींच कर चली जाती है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी सही ढंग से भी नहीं करती है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो ये थी आज की मुख्य मुख्य खबरें। आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपका क्या डाउट है, आपको किस रिलेटेड खबर चाहिए, आप किस राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, जिससे मेरे को नेक्स्ट टाइम पे खबर लाने में सुविधा हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।